अलेक्जेंडर को लेते हैं। हाँ जी अलेक्जेंडर, कृष्णा भाई। जी भाई जी, मैं फटाफट अपना पॉइंट रख देता हूँ। जी सर, नॉर्मली क्या होता है ना, आप पंजाबी है ना भाई, आपके एक्सेंट से तो पता चल रहा है कि आप एक पंजाबी है ना। जी, जी, एक दो साल से मैं ट्विटर पे या फिर यूट्यूब के कमेंट्स पे मैं एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दालखोर पंजाबी, रणजीत सिंह की औलादों, हमने तुम्हारे हमने तुम पंजाबियों को हमने मुसलमान बनाया, तुम पंजाबियों को हमने हजार साल हमने हुक्मरानी की। ये सारे जो रेसिज्म के कमेंट्स आते हैं ये इंडिया से नहीं आते हैं, कौन ये कहता है आ ये, रहे हैं जी कौन पश्तून कहता है? एथनो नेशनलिस्ट, पश्तून एथनो नेशनलिज्म जो करते हैं उनसे ये कमेंट्स आ रहे हैं टुवर्ड्स अच्छा, मैंने भी पंजाबी। वैसे देखा, तो आई हैवन्ट सीन देम। जी जी ये तो बहुत चल रहा है, आप देख सकते हैं ट्विटर पे या यूट्यूब के कमेंट्स पे। तो इसके ये जो फेक सुप्रीमेसी है, इसका जो रूट है वो फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान में जो गिलजाई बोल के एक पश्तून ट्राइब है, यू नो इट इज वन ऑफ द मेजर पश्तून ट्राइब्स विद दुर्रानी, अलोंग विद दुर्रानी। दुर्रानी जो है वो होता है आपके साउथ अफगानिस्तान में, और ये जो गिलजाई होता है वो ईस्टर्न अफगान, गिलजाई जो है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान में होता है। तो ये आपको पता है, ये गिलजाई जो पश्तून ट्राइब है इसका ऑरिजिन आपको पता है? नहीं, खलाज, खलाज बोल के एक तुर्क ट्राइब था, खलाज। ओके, ये आते हैं तुर्किस्तान से यानी सेंट्रल एशिया से, और ये आके बस जाते हैं अफगानिस्तान में ओके, वेल बिफोर तुर्क रूल वॉज एस्टैब्लिश इन अफगानिस्तान, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट महमूद ऑफ गजनवी। नॉर्मली लोग समझते हैं कि गजनी, गोरी, खिलजी, ये सब तो पठान है भाई, ये सब तो पश्तून है, लोग ऐसे समझते हैं। लेकिन ये जो खलाज बोल के एक ट्राइब है वो आके बस जाता है अफगानिस्तान में, और वो जो खलाज है ना वो क्या करते हैं, हारिस सुल्तान जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, डू यू नो अबाउट विलियम द कॉन्करर? आप विलियम द कॉन्करर के बारे में जानते हैं? जी, जी, वो क्या था, वो एक फ्रेंच वाइकिंग था, नॉर्मेंडी से आया और उसने अटैक किया इंग्लैंड पे। और जब उसके जो विलियम द कॉन्करर के जो नॉर्मन फ्रेंच क्या बोलते हैं, उसके जो सोल्जर्स थे वो जब इंग्लैंड में बस जाते हैं, और इंग्लैंड के जो नॉर्मल एंग्लो सैक्सन जो यू नो वुमेन है उनसे शादी कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो इनका जो चिल्ड्रन है ये दो तीन जनरेशन के बाद वो भी इंग्लिश बात करने लग जाते हैं ना, उसी उसी से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज आया ना। आई थिंक उसी सर, तरह से जब ये जी, उसी तरह से ये जो खलाज तुर्क ट्राइब हैं वो आके अफगानिस्तान में जब बस गया, और यहाँ पे जो लोकल पठान पश्तून जो औरतें हैं उनसे शादियां की, व्हेन द तुर्क गॉट एसिमिलेटेड इनटू द पश्तूंस, जाहिर सी बात है कि वो भी पश्तो बोलने लग गए, ये खलाज। तो इसी खलाज से आया खलजी, खिलजी, गिलजाई। ओके ओके, तो ऐसे आया है। और आपको एक बात पता है? नहीं, नॉर्मली ये सब बातें लोगों को नहीं पता है तो समझ लेते कि अब बड़े पठान है भाई। मैं और एक बात आपको कहना चाह रहा हूं, मोहम्मद गोरी जो था ही वॉज ए महमूद, तजिक अमा फ्रॉम घोर प्रोविंस। राइट, ओके, हाँ नहीं, महमूद गोरी, मैं भी ठीक तुर्क था। है, हाँ जी, मोहम्मद गोरी जो था वो था एक तजिक, और ये जो यस, अलाउद्दीन खिलजी है ना, खलजी डायनेस्टी, वो इसी खलाज से आता है। खलजी जो अलाउद्दीन खलजी जो है इसी खलाज से आता है जी। और एक छोटी सी बात, आपको ये तो पता होगा कि लोदी और सुर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इब्राहिम लोदी जिसको बाबर ने इब्राहिम लोदी हराया का था। सुना, यस जी यस यस, जी जी तो ये जो लोदी और सुर हैं, एक्चुअली इंडिया के ऊपर सिर्फ दो पठान डायनेस्टीज ने रूल किया, एक लोदी दूसरा सुर। ये दोनों डायनेस्टीज आते हैं
फिर से वही खलजी खलाज तुर्क ट्राइब से आते हैं। आपको और एक बात पता है, इमरान खान जो है, इमरान खान नियाजी खुद को बोलता है मैं बड़ा पठान हूं, ये भी डिसेंड करता है उसी गिलजाई से, उसी खलाज तुर्क ट्राइब से। और एक मैं लास्ट एक पॉइंट रख के मैं खत्म कर देता हूँ। मैं ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूं क्योंकि लोगों को हिस्ट्री नहीं पता, वो एक फैब्रिकेटेड हिस्ट्री में जी रहे हैं और समझ रहे हैं कि दे थिंकिंग अदरवाइज। एलेक्जेंडर द ग्रेट, आपको पता है कि कंदाहार जो सिटी है अफगानिस्तान में, उसको फाउंड किया ही अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर के सोल्जियर्स वहां पे बस गए, अलेक्जेंडर के जनरल्स वहां पे बस गए जी, और फिर वो लोकल पॉपुलेशन से असिमिलेट हो गए। और तो अलेक्जेंडर क्या की आपको डेथ के बाद लगता जो है, एम्पायर आपको था वो वहां पे 500 साल रहा भी था, 200 साल जो उसके एक जन जी कभी जी हमेशा इंड नाम भूल इंड जाए, इंड इंड जी इंड इंड इंडो इंडो नहीं, उनका नाम था सेलुकस निकेटर, सिलुकस। यस सेलुकस दैट्स निकेटर बोल के जी यस वो सिलुकस थे। यस। तो और आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे, इंडियन एम्परर अशोका जो थे, जब उन्होंने कंदाहार पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाया, तो आपको पता है कि वो किन लैंग्वेजेस में लिखवाया था? एक था अरेमिक, अरेमिक तो ठीक ओके है बोली जाती है, और दूसरा लैंग्वेज था ग्रीक। यस तो इसका मतलब ये है कि कंदाहार जो है, यानी कि जो पश्तूनों का वो गढ़ है, क्योंकि तब काबुल पे तो पश्तून नहीं थे, पशावर पे तो पश्तून नहीं थे, वो तो बाद में आया, नहीं, लेकिन लेकिन पश्तून कंट्री भी कंदाहार तो जो नहीं थी है ना ये उस वक्त। पश्तून नहीं, लेकिन पश्तून लैंग्वेज जी भी तो एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, एटलीस्ट इन रिटन फॉर्म। नहीं, रिटन फॉर्म पे तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन वो इट इज अ फॉर्म ऑफ इरानिक लैंग्वेजेस, तो एक एक टाइप ऑफ इरानिक लैंग्वेज थी। ओके एग्जैक्टली पश्तून तो नहीं थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एथनिसिटी नॉट द लैंग्वेज। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो ही आपको कंदाहार आप जो यानी है कहना वो चाह रहे हैं ग्रीकों कि ये का जो गढ़ था पश्तून प्राइड है, आप जी। यानी ये कहना चाह रहे हैं, जो इतनी आपने लंबी बात की, एंड थैंक यू फॉर दैट, दिस वाज वेरी एजुकेशनल। मुझे 95% कुछ नहीं जी पता था अंटिल यू जी स्पोक अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट। और जी जी आप ये कहना जी चाह रहे हैं कि ये जो प्राइड दिया जाता है, ये बहुत सारे लोगों में, मैंने देखा पश्तूनों में भी बहुत प्राइड है इस बात का, हम जी पश्तून हैं और बड़े बहादुर, गयूर, गैरतमंद, और ये सारी चीजें जो हैं, और उसकी बेस के ऊपर अब तालिबान का भी एक पश्तून एथनो नेशनलिज्म है, जिसपे वो क्लेम करते हैं कि पिशावर तक हमारा ही पश्तूनिस्तान है, वगैरह वगैरह। और आप ये कह रहे हैं एग्जैक्टली कि आपने हरि कुछ इस सुल्तान तरह के जी, नोट्स देखे हैं। हरि सुल्तान जी, एक मिनट, तालिबान जो है मुल्ला उमर ने फाउंड किया ना, आपको यस ये भी पता करके शॉकिंग लगेगा, ये जो मुल्ला उमर का जो ट्राइब है, होटक ट्राइब, वो भी खलाज तुर्क ट्राइब से आता है, जो हाँ, लेकिन मैं पश्तून एथनो नेशनल जी। ओके हाँ, नहीं नो दैट्स फेयर इनफ। नहीं, लेकिन जो एथनो नेशनलिज्म की प्रॉब्लम ये होती है ना, दिस इज व्हाई दीज आइडियाज आर सो रिडंडेंट। एंड मुझे तो ये पूरी जो चेन ऑफ डिसेंडेंट जो होती है, ये मुझे इसलिए इतनी इतना मुझे ये डेड आर्गुमेंट लगता है, और इसलिए मुझे ये कहीं पे भी मुझे ये प्लीज नहीं करता ये। और यही मैं अगर जब देखता हूँ ना कि ये जो एथनिसिटी का जो प्राइड दिया जाता है, मुझे तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। तो जो आपने लेकिन बात की है, वो बात सही है कि ये पश्तून भी, चाहे कोई पश्तून हो, कोई बलोच हो, कोई हजारा हो, ये कोई प्राइड लेने की बात नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल फ्रिकिंग एफ्रिकन्स। हम आए सारे अफ्रीका से। ये सारी लाइंस आर्बिट्रेरी होती हैं, कि जैसे आपने बताया, ओके इफ यू गो 2,500 years अगो, या अगर हम इवन 1,000 years अगो जाएं गौरी वगैरह के केस में, तो हम ताजिक बन, ये लोग ताजिक बन जाते हैं, ये कोई तुर्क बन जाते हैं, तो व्हाई डू यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन 1,000 years, 2,000, 5,000, वेयर डू यू एक्चुअली ड्रॉ द लाइन? क्योंकि अगर आपने एवोल्यूशनरी स्केल पे भी अगर आपने देखना है, तो ये एपिजेनेटिक्स है, एथनिसिटीज के जो चेंजेस होते हैं, सो वेयर आर यू गोइंग टू ड्रॉ द लाइन? तो ये आर्बिट्रेरी है, और इसीलिए एथनो नेशनलिज्म की बेस के ऊपर, इवन जो नेशनलिज्म जो है ना, जो जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, दैट मेक्स मोर सेंस के वी फाउंड वन बाइंडिंग फैक्टर ऑन द ज्योग्राफी बेसिस है ऑफ हाँ, विच। एक ज्योग्राफी हाँ हाँ ओके, ज्योग्राफी प्लेज अ ह्यूज रोल, बट देस कुड बी सम अदर पोलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट, ऑल्दो कि वो कल्चर फ्रेगमेंटेड सोसाइटी कल्चरल होती है। कल्चरल हो गए हाँ, कल्चरल हो आप गए उसको
उनकी बेसिस पे आपने जोड़ के एक मॉडर्न नेशन का कॉन्सेप्ट दिया विच इज ओनली 150-200 ईयर्स ओल्ड. दैट इज फार बेटर देन सेइंग बिकॉज वी आर. अब आपको पता है जो पीटीएम पाकिस्तान में जो पीटीएम की जो मूवमेंट है दे आर वेरी लिबरल पीपल. पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट. तो वो लोग इतने लिबरल है वो बाकी पाकिस्तान से भी लिबरल है. देर ऑन होल्ड दीज पश्तून जो टिपिकल वर्ल्ड व्यू है कि पश्तून बड़े ट्राइबलिस्टिक किस्म के होते हैं औरतों को मारते हुए कुछ तालिबान डू से दैट एंड मेजोरिटी ऑफ देम माइट बी लाइक दैट. लेकिन पीटीएम भी वो भी पश्तून है लेकिन उन्होंने दे हैव बिल्ट इट अराउंड द पश्तून आइडेंटिटी व्हिच इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगेन बट मे बी माइट बी द नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट फॉर देयर सर्कमस्टेंसेस. लेकिन क्या तालिबान के साथ वो रेजोनेट कर सकते हैं? दे कांट रेजोनेट विद द तालिबान. सो एथनिसिटी की बेस के ऊपर तो बिल्कुल भी आपको कोई स्टेट के कोई ड्रीम्स नहीं होने चाहिए. आपको आइडियल्स के ऊपर होने चाहिए. आइडियाज और आइडियल्स के ऊपर होने चाहिए. जी नहीं आइडियाज तो ठीक है ना, मान लिया हारिस जी. मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, एक तरफ आपका कंदहार ग्रीकों से बना है, आपके अंदर ग्रीक डीएनए है, और एक आपका गिलजा जो है वो तो तुर्क से आए हैं. लेकिन आप ये जो पश्तून सुप्रीमेसी बना के पंजाबियों को गाली देते हो कि हमने तुमको मुसलमान बनाया. मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, तुम पश्तूनों को मुसलमान किसने बनाया? अरबों ने बनाया. ये कोई गाली दे भी ना, तो ये तो उन लोगों के लिए ना, मुझे I don't even value these. अगर वो कह भी देगा हाँ, तो मैं कहूंगा अच्छा लानत है तुम पे जो इस्लाम को ले आया इतने हमारे इस एरिया में, लानत तुम पे. मैं तो ये कहूंगा आगे से. So it doesn't mean anything. But anyway, thank you very much sir. बड़ा अच्छा आपने. और एक छोटी सी चेरी ऑन द केक मैं रखना चाह रहा हूँ, छोटी सी यू नो फाइनल नेल इन द कॉफिन मैं रखना चाह रहा हूँ. रिसेंटली एक आई थी इंडिया में मूवी आई थी पठान, शाहरुख खान की. वो फिल्म जो है 1000 करोड़ की बिजनेस किया उसने. ऑल ओवर कह रहे नहीं किया, तो नहीं कह रहे प्रोपेगेंडा. नहीं किया है. लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि शाहरुख खान भी जो है उसके एंसेस्टर्स आए थे कश्मीर से पेशावर, जो हिंद को स्पीकिंग थे. शाहरुख खान पठान नहीं है, he is not a पश्तून. लेकिन क्या है, शाहरुख खान पे हमेशा से हमें थोड़ा शक था. शाहरुख खान पे क्योंकि उसके जो फेशियल फीचर्स है इतने ना तो ग्रीक के दिखते हैं ना तो तुर्क के. वो हमारी तरह के दिखते हैं. जी इंडो आर्यन फीचर्स है उसके. तो ये जो आपको एक बात पता है, ये बात इंडिया में 90% लोगों को नहीं पता कि गजनी गोरी खिलजी ये सब जो हैं ये अफगानिस्तान से हैं, लेकिन ये अफगान नहीं है, ये अफगान डायनास्टीज नहीं है, ये पठान नहीं है, इनके एथनिसिटीज अलग है. ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था. थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म. अच्छा जी चले, that was very insightful actually. Thanks for telling us. मेरे ख्याल जितने हमारे पश्तून लोग हैं जरा ढूंढे ना, अपनी रिसर्चेस निकालें आपका जो भी ट्राइब है उसकी क्या ओरिजिन है. बट टू मी पर्सनली इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. मुझे तो ये चीजें इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ होती है. और अब तो आई हैव गॉन सो फार बियॉन्ड दैट कि अगर कोई कहे भी ना कि मैं यहाँ से आया हूँ वहां से आया हूँ. सैम हैरिस का बड़ा मजे का कॉल था. आई थिंक ही सेड in one of his lectures, he said, वो कहीं पे ऑक्सफर्ड में बैठा हुआ था या कैम्ब्रिज में बैठा हुआ था. वो कह रहा था यू नो बड़े लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, किसी के पास MIT की डिग्री है, कोई हार्वर्ड की PhD है, किसी के पास कोई ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज. कहता जितनी मर्जी शो मारनी मार लो, लेकिन आज से 5 नहीं तो 10 जनरेशन पहले चले जाए, 15 जनरेशन पहले चले जाए, आप सारे एक दूसरे के आपके माँ बाप गर्दने उड़ा रहे थे. तो इसमें फखर की कोई बात नहीं है. हमारे फखर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बदलते रहे हैं. यानी हम जी वॉरियर रेस से हैं, और वॉरियर रेस कोई फखर वाली बात है? आजकल कितने लोग गर्दन उड़ाते हैं? अगर कोई गर्दन उड़ाए किसी की, क्या उसको आप फखर से देखते हैं? सो दीज अगेन नॉट शिटिंग ऑन दोज पीपल इन द सेंस के वो दे वर ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ देयर टाइम, दे ऑल्सो डिड व्हाट दे हैड टू डू टू सर्वाइव. लेकिन इन चीजों के ऊपर प्राइड लेना, ये तो I just don't understand कि इसमें तुमने क्या किया प्राइड ले. बड़े फखर से लोग बताते हैं हमारे बाप दादा ये करते थे, वो हमारे बाप दादा, वो बाप दादे ने किया, तुमने क्या किया? तुम अपनी बात करो, तुमने क्या किया?
तो इसलिए मुझे तो कभी इंटरेस्ट नहीं। मेरे मेरे वाले साहब मुझे कहानियां बताते होते हैं, मुझे हम ये तो पता वाता कुछ नहीं होता। मोस्टली मोस्ट पीपल हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, सुनी सुनाई कहानियां नीचे से नीचे से नीचे चलती चली आ रही है। मेरे नाना गुजर गए, मेरी जो मेरी मेटरनल साइड है वो राजपूत है। आई थिंक दे बिकेम मुस्लिम मे बी 2 or 3 जनरेशन अगो, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी बड़ी कहानियां अपनी राजपूतों की सुनाते थे जी, हमारे राजपूत जो क्षत्रिया और हम तो बड़े वॉरियर्स साथ थे और ये वो थे, लेकिन सारी सुनी सुनाई कहानियां होती थी। सो देयर इज नथिंग, आई हैव नो इंटरेस्ट, मैं उस पर प्राइड नहीं। मैंने अगर किसी चीज पे कभी प्राइड लेना होगा ना, या ज्यादा से ज्यादा अगर आपने प्राइड देना है तो आपका बच्चा आप पे प्राइड कर सकता है, बल्कि उसको भी नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चे को ये भी नहीं कहूंगा कि तुमने यानी यू नो जो मैंने किया खुद करके दिखाओ। हाँ, बच्चे के ऊपर बाप माँ बाप प्राइड कर ले सकते हैं, वो और तरह का रिलेशनशिप होता, लेकिन आपने अगर प्राइड लेना है तो खुद काम करें, करके दिखाएं। वो मैंने जो प्राइड लेना होगा वो मैं अपने कारनामों के ऊपर लूंगा। अगर कल कोई वाकई 4 लाख गुस्ताख निकलेंगे, वो कहेंगे हारिस सुल्तान की वजह से, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आप गुस्ताखी करें लेकिन तो ये है, ये दैट विल बी माय अचीवमेंट, दैट देयर इज इनफ फॉर मी टू टेक प्राइड इन, इफ यू वांट टू टेक प्राइड इन टू एनीथिंग फॉर एनीथिंग। तो ये लोगों को, मेरा ख्याल ये खोखले लोग होते हैं जो खुद बेचारे कुछ नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं वो जी हमारे बाप दादों ने ये किया, वो हमने, और बाप दादे ने तुम्हें किसी को मुसलमान कर लिया तो क्या इसमें, क्या तुमने क्या तीर मारा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।